हाँ जी एडवांस था ही नहीं तो ये फिर कैसे बोला कि मनुष्य घोर अंधियारे में, तो ये तो मनुष्य घोर अंधियारे में, मनुष्य घोर अंधियारे में माने उस समय ओझले सोझरे में थे, नहीं उस टाइम पे एडवांस था ही नहीं तो बाबा सूरज कब आता है, ज्ञान सूर्य बाप कब आता है, जब अंधियारा ज्ञान, हाँ कब होता है, जब ज्ञान सूर्य उदय होगा तभी तो अंधेरा खत्म होगा, तो बाप प्रत्यक्ष कब होता है, है 76 में, तो उससे पहले अंधेरा था, यो सोजरा था, क्या था, चंद्रमा की रोशनी में अंधेरा होता है या सोजरा होता है, अंधेरा ही कहेंगे, और जोर से बोलो, विष्णु की आत्मा जो है वो उस समय प्रत्यक्ष नहीं था, आप प्रत्यक्ष नहीं थे उस समय, कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा को, हाँ हाँ ये नहीं समझ पाया कि गीता का भगवान कौन है, लेकिन अभी भी वो आपके थ्रू ही पाठ बजा रहे हैं, तो कैसे समझे? आपके थ्रू, अरे आपके थ्रू पाठ बजा रहे होंगे, मेरे थ्रू क्यों है, अगर वो आप में पाठ बजा रहे हैं या कहीं और, तो फिर वो क्या करे कि आपको समझ पाए कि गीता का भगवान है आप, है अगर कृष्ण की आत्मा को एक बात एक गुत्थी सुलझ जाए गीता का भगवान कौन, तो फिर सतो प्रधान बन जाएगा ना, एक सेकंड लगेगा सतो प्रधान बनने में, ये बड़ी ती बड़ी भूल है, इस भूल को एक ने सुधार लिया तो सात सुधार लेंगे, है योगदान दो, चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो क्या करते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, अभी पानी जो हम पीते हैं आजकल जो वाटर आ रहा सप्लाई का उसमें मिनरल नाम मात्र का नहीं है, है? मिनरल जो होना चाहिए खनिज है, खनिज पदार्थ जिससे कि एक घास तक पैदा नहीं हो सकता उसके अभाव में, है? सारे तत्व मिनरल से बने हुए हैं, है? तो उस पानी में मिनरल है नहीं, है? हमारी बॉडी में जो बीमारी आ रही है वो जाती नहीं है, है? अगर पानी में मिनरल आ जाए पुनः तो जा सकती है, है? तो ये मिनरल्स क्या है, जीवनी शक्ति है, कहते हैं पानी ही जीवन है, तो गंगा का जल जो पहले शुद्ध होता था वो जीवन है, यमुना का जल जो सत्युग त्रेता में शुद्ध पानी बहता था वो जीवन है, या अभी जो सात नाले उसमें मिल गए हैं यमुना में, वो पानी पिएंगे तो जीवन मिलेगा, है गंगोत्री के पास मिल जाते हैं ना, हरिद्वार और फरक्काबाद में जहाँ ढेर का ढेर कचरा पड़ता है वहां, हरिद्वार में रहोगे जाके, फिर हरिद्वार में रहो, अरे हरिद्वार कहाँ है, हरिद्वार का पता लगाया कि दुनिया में ही तैर रहे हैं, हैं? बाबा की करीब बाबा हरिद्वार में बैठा रहता है, द्वार से निकल के बाहर नहीं जाता, और नौ धर्म चाहिए है, नौ धर्म है तो उसमें नौ धारणा शक्ति है सबकी, हर धर्म की आत्मा होगी, नौ धारणा शक्ति, नौ धर्म है ना, नौ धर्म है तो नौ धर्म वालों की अपनी भी धारणा शक्ति है, ज्ञान तो बाप एक ही ज्ञान सुनाते हैं ना, लेकिन धारणा के हिसाब से ज्ञान आत्माएं तो अलग अलग हैं,
धारण करने वाली बुद्धि रूपी धरणी तो अलग अलग है। तो जैसी बुद्धि रूपी धरणी होती है वो एक बीज अनेक प्रकार का हो जाता है। वही आलू नॉर्थ इंडिया में पैदा होता है, वही आलू दक्षिण भारत में पैदा होता है, वहां क्यों नहीं खाना पसंद करते? क्योंकि शरीर में दर्द करने लगता है, धरणी में अंतर हो गया। अब इसमें याद भी नौ प्रकार की होगी, याद का भी जितना जितना करप्शन बढ़ता जाएगा ज्ञान में पहचान में उतना उतना याद का रूप भी बदलता जाएगा। जो भी विदेशी भी धर्मी है और चंद्रमा से लेकर के सारे सिर्फ बाप को याद करते हैं, हिंदी बाप को याद करते हैं, लेकिन वह उनके अंदर फिर प्राप्तियों में अंतर पड़ जाता है क्योंकि फिर वो अपने अपने धर्म खंडों में अपने धर्म के हिसाब से उदाहरण करती हैं और याद करती हैं। तो याद में बाबा क्या डिफरेंस आती है? उनकी धरणी अलग अलग है ना, धरणी अलग अलग है तो अंतर पड़ेगा। धर्मखंड एक थोड़े ही है, जो जो धर्म उनके अपने अपने धर्मखंड। याद के रूप में इनको कैसे प्रभावित कर सकते हैं? किस प्रकार से इनकी याद है, कैसे बाप को किस रूप में याद करते हैं? मतलब उनके संकल्पों के आधार पर याद करते हैं ना बाप को, संकल्प कैसे संकल्प पैदा होती है धरणी में, जिस तरह के संकल्प रूपी बीज पैदा होंगे उस हिसाब से उनके अंदर याद की शक्ति भी पैदा होगी। उनकी धरणी में भावना नहीं होती, विदेशियों की धरणी में भावना नहीं होती, एक कसम छोड़ दूसरा कल ही कर लेंगी, तुरंत ही बदल देंगी। तो भावना है फिर तो बौद्ध विदेशी नहीं बनते। और डॉक्टर का बच्चे मनुष्य बनते हैं ना? है डॉक्टर शब्द कहाँ से आया? फिर विदेशी चीज को अपना रहे हैं, विदेशी नाम को अपना रहे हैं, विदेशी काम को अपना रहे हैं, तो अंतर पड़ेगा ना। हिंदी में अर्थ निकाल लो उसका, डॉग प्लस्टर। बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, आवाज फैलाते चले जा रहे हैं, हमने ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया, कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नई नई बीमारियां उखड़ती चली जा रही हैं? बीमारों की संख्या बढ़ रही है दुनिया में या घट रही है? बढ़ रही है, एडवर्टाइजमेंट ढेर सारा। एडवर्टाइजमेंट करने वालों की कमाई ढेर सारी, यूज करने वालों को घाटा सबसे ज्यादा। और क्या है? है है शिव और शंकर भी मिला है कि कभी शिव राम नहीं कहा, शिव कृष्ण नहीं कहा है, ये हिंदू में समय की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें जाके वो शिव शंकर के पार्ट के साथ शिव को शंकर जुड़ा ना? शंकर का काम क्या है? अरे तो याद में बाप समान हो जाएगा निराकारी स्टेज वाला, तो उसका बाप हो गया। वही पर्सनालिटी तो राम भी है ना, वही पर्सनालिटी। राम की पर्सनालिटी वो नहीं है, राम की पर्सनालिटी फेलियर की है। राम नाम सत्य है, सबको लोग कहते हैं, ऐसा क्यों कहा? वो राम नाम जो सत्य है वो राम वाली आत्मा ही जब निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाती है तो वो शंकर कही जाती है। शंकर चाप जहाज और एक गुप्त मत सब कहो कर जोर,
शंकर भजन बिना नर, उन्होंने तो शंकर का नाम ले दिया है। भगत की पावे मोर, ये राम के शब्द बोले गए हैं। शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर सपने मोह न पावा, जिन्हें शिव कहा गया उन्हें ही शंकर कह दिया है। वास्तव में शिव को राम से अलग नहीं किया जा सकता। हां, पुरुषार्थ पूरा नहीं है, अधूरा पुरुषार्थ है तो फेलियर राम है। और है संपन्न स्केट में शंकर भी कहना उसको। हाँ, जब नाम साथ है शिव के, राम का नाम शिव के साथ नहीं है। लोग नाम रख देते हैं शिव राम, लेकिन वास्तव में जो प्रसिद्ध नाम है युगल जोड़ी का, वो शिव शंकर है। शिव की साथ, शिव की जोड़ी और किसी के साथ नहीं बनती। किसके साथ बनती है? शंकर। यहां तक कि मुरली में बता दिया कि शंकर को युगल नहीं कहेंगे, शंकर की युगल जोड़ी नहीं है। कौन है शंकर की युगल? है पार्वती। वो तुम मानते हो या शंकर भी मानेगा? बहन मानेगा, भाई मानेगा, भाई भाई मानेगा या युगल मानेगा? मुरली में तो बोला मुट्ठे तेरी युगल कहां से आई। ये तो अधूरी स्टेज की बात है। संपन्न स्टेज में युगल, युगल का भाव कहां रह जाएगा? शंकर की बुद्धि रूपी थैली में युगल नाम की चीज है तो कौन है? शिव। एक सवाल है बस। तो आपको देख दिया। अच्छा, लेकिन जब मैं बाहर पढ़ाता हूँ कहता हूँ वो जिसके तन में आया हुआ है, है? वो जिसके तन में आया हुआ है, है? वो आपको नजर से निहाल कर देगा, है? तो वे कहते हैं वो कहाँ है, है? तुम यही बैठे हो याद करो तो वो वहीं से। अभी बाबा ने मुरली में बोला जो समझ चुके हैं वो ही समझा भी सकते हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो आप जरूर समझा सकते हैं। हाँ, मैं तो समझ चुका हूँ। मैंने आज समझ चुके तो समझाते क्यों नहीं? समझाता हूँ, जेल में समझाता हूँ। क्यों नहीं कोई समझाने? जिसको समझाया वो कोई जाकर के भट्टी किया, भट्टी करने के बाद क्लास में रेगुलर अटेंड करके आ रहा है? गे गे गे, गे। तब उसी की बात पूछना, तभी कहना कि हम समझ गए हैं। रंग है, परमात्मा इन आंखों से नहीं देखा जाता। देखा जाता है? एक बात बताओ, भगवान इन आंखों से देखा जा सकता है? बस खत्म, बात हो गई। ज्ञान के नेत्र से उनको समझा दो, ये रूप है, ये नाम है, ये काम है, ये धाम है, सारी बातें ज्ञान के आधार पर समझा दो। है? किसको बुलाएं? वो तो बिंदी है, बुलाने से आता ही नहीं है। बुलाने से आता है तो हम उनकी बात कैसे मान लें? अरे, करोड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर के काबा में मुसलमान बुलाते हैं अल्लाह अकबर, आता है? और बाबा राम के साथ अयोध्या और कृष्ण के साथ गंगा मथुरावन ऐसे जुड़ा, तो वहाँ पे कुछ उत्तर हुआ होगा ना, जो वही नाम लिया गया हैं? तो राम के साथ अयोध्या का जुड़ा ना, औरंगाबाद जुड़ा नाम के साथ स्थान का भी गायन होता है। नाम का कनेक्शन है काम से, और काम कोई स्थान पर ही किया जाता है। तो जिस स्थान पर काम किया जाता है उस स्थान की भी महिमा हो जाती है।
शंकर का नाम जोड़ा हुआ है काशी से। जरूर याद का तेज भर गया होगा। ये प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति में फोर्स आता है। जैसे भाई बहन की भी प्रवृत्ति होती है, ऐसी ये रुद्रमाला में भी प्रवृत्ति है। और तो बाबा अयोध्या का और मथुरा वृंदावन का क्या मतलब? यहाँ युद्ध हुआ नहीं। वो युद्ध स्थूल है या सूक्ष्म युद्ध है? वो हिंसक युद्ध है या अहिंसक युद्ध है? हिंसक जो होंगे उनकी आंख हिंसा ही देखती है। भगत हिंसक होते हैं या अहिंसक होते हैं? है भगत बड़े ठगत। और बाबा इसका मतलब वहाँ ज्ञान ही नहीं पहुँचा क्या? है इसका मतलब वहाँ ज्ञान नहीं पहुँचा क्या? वहाँ ज्ञान नहीं पहुँचा? जहाँ युद्ध नहीं होता वहाँ ज्ञान की जरूरत है? जहाँ लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं वहाँ ज्ञान की जरूरत है? या जहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं कभी वहाँ ज्ञान की जरूरत है? अपने हिसाब से और पराए हिसाब से कैसे हो जाएगा? दूसरे के हिसाब से क्यों नहीं? दूसरों के हिसाब से हमारे साथ संस्कार नहीं है? मिलते जुलते हैं और टकराते हैं, कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है। मथुरा का कनेक्शन भी है। मथुरा का कनेक्शन राम कहां और मथुरा कहां, कृष्ण कहां? राम का अर्थ है जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। उल्टा हो गया, योगियों का आकर्षण राम की ओर होता है। राम की याद में रमण करते हैं, योगियों का आकर्षण हुआ राम की ओर। मासूक और आशिक, आशिक भागेगा मासूक की ओर या मासूक भागेगा आशिक की ओर? आशिक भागता है, तो योगी हो गए आशिक, राम हो गया मासूक। और कृष्ण में, कृष्ण में उल्टा हो गया। कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षित करने वाला, वो खुद आकर्षण करता है। आओ आओ आओ, दुर्योधन दुशासनों का काम क्या होता है? क्या काम होता है? आकर्षण करना, खींचना। द्रौपदी को खींचते हैं दुशासन। इसलिए शास्त्रों में एक शब्द भी आया है वेद में, रावण और ब्रह्मा। जैसे रावण के हाथ में वेद शास्त्र दिखाई जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। जहां जन्म हुआ उस स्थान का नाम ही रख दिया मथ उरा। उर माने जांग, मथ माने उसको मथना, रगड़ना, ताकि उत्तेजना बढ़े। दुनिया में भक्तों की संख्या कृष्ण की ज्यादा हो गई या राम की ज्यादा हो गई? और बाबा बेसिक और एडवांस हम दोनों में आंखें खोल के करना सिखाते हैं, तो भक्ति में आंखें बंद कैसे होती है, फाउंडेशन कैसे करते हैं? भक्ति वाले अंधे होते हैं या ज्ञान मार्ग वाले अंधे होते हैं?
और भक्ति मार्ग में एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घटगढ़। भक्ति मार्ग के ही रखड़ा याद किए हुए हैं सारे, ज्ञान मार्ग का कुछ भी याद नहीं है उसका खुलासा। भक्ति मार्ग का खुलासा क्या होगा? भक्ति मार्ग में तो बता दिया भूसा भरा हुआ है। जो बातें भक्ति मार्ग की उठा करके, जो शास्त्रों के सार की बातें उठा करके बाबा क्लेरिफाई कर रहे हैं वो ही सच्चा है, बाकी सब झूठा। और बाबा ये कैसे पता लगेगा हमें कि जिसके कांटेक्ट में हम आ रहे हैं उसके हमारे हिसाब से जुट हो रहा है या बन रहा है? क्योंकि बनता जुट होना दोनों काम होते हैं ना। संत की पहचान है उसके संग के रंग में जाने से खुशी चढ़ेगी, प्रसन्नता आएगी। दुष्ट के संग में जाने का रिजल्ट ये होगा कि मन खराब होने लगेगा, दिनों दिन दुख बढ़ता जाएगा। और भगवान के संग के रंग में आएगा उसका तो पारा दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, चढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? ऊंची स्टेज में जाएगी आत्मा। और देहधारियों से, अपनी देह से, देह के पदार्थों से उपराम रहना है, प्रैक्टिस करनी है। और आत्माओं के बाप से प्यार बढ़ाना है। जितना आत्मिक स्थिति की स्टेज बढ़ती जाएगी उतना नष्ट हो वो होते जाएंगे देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से। देह भान बढ़ेगा तो देह के पदार्थों से, संबंधियों से, अपनी देह से लगाव बढ़ेगा। प्रैक्टिस की बात है। और बदलते रहते हो, करते हो ऐसा तो नहीं है आपको दिखाई पड़ता हो? ये भी तो होता है कि देखने वाले की दृष्टि अपने तरीके से देखती हो। हाँ तो आत्मा अपने तरीके से देखती है, अपने अपने तरीके की अपनी अपनी आंख है। जैसे जिसकी भावना है वैसा वैसा देखने में आता है। और बाबा जब हम अपनी देवी देवता ही संस्कार बना रहे हैं तो हम जो बॉटल से पानी पीते हैं वो भी तो गलत ही हुआ ना। है हम सीधा बॉटल से पानी पी रहे हैं, लोटा का पानी पियो, बोतल का मत पियो। है जिस तरीका हुआ वो तो गलत हुआ ना। देवी देवता ले आकर के पानी थोड़ी पियेंगे, देवी देवता पानी नहीं पियेंगे, पानी पियेंगे पर ऐसे थोड़ी पियेंगे जैसे हम बॉटल से पीते हैं सीधा आकर। अच्छा कैसे पियेंगे? झरने में पियेंगे? तो समंदर में झरने के किनारे रहना पड़े जाके। और प्रकृति जीव जगजित का है तो ये हद की ख्याति प्रकृति पांच तत्वों को जीत, पांच तत्व जो है ना प्रकृति। हाँ जी ये बाबा सिर्फ ये करण रख के ये या जो भी नंबर वाला आत्मा है उसके लिए। नंबर वार आत्माएं आत्माओं को जीतना है, आत्माओं को शरीर की जो हद की प्रकृति है उसको भी जीतनी है और चैतन्य या
हर की बात आ रही है नवाब इसके साथ में हैं। तो ये सिर्फ मुकर्रर रथ के लिए स्पेशली कही गई है या सारी जो नंबरवार आत्माएं हैं उत्साह करी उनके लिए? हर एक आत्मा की अपनी अपनी प्रकृति नहीं है, प्रकृति माने स्वभाव संस्कार। तो बेहद कोई प्रजापिता है उसकी बेहद की भी है, एक के ऊपर और अनेक के ऊपर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शक्ति के अनुसार है। बाबा हमसे जाने जाने में हमसे चीटी मच्छर ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, उसका बहुत ज्यादा डर लगता है ना हमसे। कीड़े मकोड़े जो चीटी मच्छर हमें दिन भर में बनाने हमसे ऐसी तो गलतियाँ होती है ना, चिंता से बहुत डर लगता है। जाने में होता है अनजाने में होता है, दोनों तरह की होता है। कई बार मच्छर ज्यादा काटते हैं हम जान भी मारते हैं ना, कई बार चीटियाँ ऐसी पैर के नीचे आ जाती है तो मुझे लगता है। तो मच्छर को मारेंगे नहीं तो मच्छर हमें नहीं मार देगा, अपनी सुरक्षा करना खराब बात है, हैं? फिर तो बौद्धि बन जाओ, जैनी बन जाओ, दांतों में मंजन करना बंद कर दो। और भगवान को है कहाँ भगवान जो डरे, बोलते हैं उनसे पूछो भगवान कहाँ है जो जिससे डरे, तो दिखाई पड़ेगा तो डरेंगे भी, है ही नहीं। अरे इस दुनिया में भगवान है कहीं दिखाई पड़ रहा है? बाबा वो जिस तरह से मानते हैं उस तरह से बोलते हैं ना, किसी न किसी तरह से तो वो भी मानते हैं। दुनिया वाले तो पता नहीं क्या क्या मानते हैं, तुम उनकी कौन कौन सी मान्यताओं को लेकर के चलोगे, कौन कौन सी मान्यताओं को लेकर के मनन चिंतन मंथन करोगे? तुंडे तुंडे मत्र बिन्ना, दिमाग खपती करना है, बाबा एक वार्तालाप आपने बताया कि आत्मा शरीर छोड़ने से 4-5 महीने पहले गर्भ में अगला मकान तैयार कर लेती है। आत्मा नहीं तैयार करती है, आत्मा की प्रकृति, आत्मा का अपना स्वभाव संस्कार वो सक्रिय हो जाता है। जैसे एक बच्चा आज पैदा हुआ जी, है एक बच्चा आज पैदा हुआ, एक वर्ष एक बच्चा जी, बच्चा एक बच्चा हुआ हाँ, और उसने उसी समय शरीर छोड़ दिया जी, उसी समय पैदा होते ही? हाँ तो उससे 4 महीने पहले अंदर नहीं था, अंदर था ना, उसी समय से उसका संस्कार शुरू हो गया। पुनर्जन्म का आधार क्या होगा जी? पुनर्जन्म का आधार क्या होगा? पूर्वजन के संस्कार, पूर्वजन का हिसाब किताब। और बाबा 9 लाख का सितारों के रूप में गायब होता है, 9 लाख आत्माओं का सितारों के रूप में गायब होता है, है? तो 16,108 का क्यों नहीं होता? 16,108 का गायब नहीं होता? अरे उनको तो और सिमरण करते हैं, जाकर के मंदिर में माला को खींचते हैं, खींच खींच के याद करते हैं। बाबा सितारों के रूप में तो नहीं होता ना? अरे वो सितारे ही तो हैं, आत्मा रूपी सितारे हैं ना, वो धरती के सितारे हैं, वो धरती के ज्यादा प्रसिद्ध सितारे हैं, जो बड़े बड़े पुराने मंदिरों में अभी भी रखे हुए दिखाए गए हैं, शास्त्रों में उनका गायन है। 33 करोड़ देवताओं में से चुने हुए 16,000 देवात्माएं। और बाबा माउंट आबू में विक्रम धाम की स्टेज होगी और विनाश चालू होगा, तो फिर वहां माउंट आबू से जो जो आत्माएं बचती है तो ये यमुना के तट पे कैसे पहुंचेगी? वो पहले ही भाग जाएंगी, उन्हें पहले से पता नहीं चलेगा। अरे ये पक्षी होते हैं, इनको 3 घंटे पहले आंधी आने का पता चल जाता है, मनुष्यों के मुकाबले इनकी आत्मा ज्यादा निर्मल है या तामसी है? निर्मल है। और हम तो पुरुषार्थ करते करते कितनी ऊंची स्टेज पर पहुंच जाएंगे,
तो हमको भविष्य का पता नहीं चलेगा। दिल्ली में भी तो पानी होगा, उसमें बर्फ जमा होगा, उसमें दिल्ली के क्षेत्र में तो बर्फ ही जमा। अरे बर्फ तो बाद में जमती है जाकर के, पहले तो शूटिंग होगी ना, रिहर्सल होगी ना। और शंकर जी हैं, शंकर जी के ऊपर गले नाग है तो किस लिए? किस लिए? वो इसलिए है, वो बताते हैं कि देखो हम नाग हैं, तुमको नहीं काटेंगे, तुम हमसे प्यार करते हो, हम तुमसे प्यार करेंगे। और बाबा जब हम हड्डी पे जाते हैं तो बोलते हैं ये चौरासी जन्मों का फाउंडेशन चल रहा है। हड्डी पे जाने के लिए बोलते हैं चौरासी जन्मों का पूरा फाउंडेशन है। गर्भ में जब गर्भ में आत्मा जाती है, गर्भ में बच्चा तैयार होता है, वो भी तो 9 महीने की बच्ची है, उसमें सारे जीवन का फाउंडेशन पड़ता है कि नहीं? हथेलियों में, चेहरे मोहरे में सारे जीवन का चित्र अंकित हो जाता है। ज्योतिषी लोग चेहरे को देख करके बताते हैं इसके जीवन में ये होने वाला है, इसके जीवन में वो होने वाला है, हाथ की रेखाओं को देख करके बताते हैं। वो रेखाएं गर्भ में तैयार होती हैं या नहीं? ऐसे ही ये रूहानी भट्टी है। अपनी सेवा पहले करेंगे या दुनिया की सेवा पहले करेंगे? खुद का सुधार तो जग का सुधार, पहला सुधार है खुद का। और अकेली आत्मा जड़वत, प्रकृति के संसर्ग में आने से जीव आत्मा बनती है, जीवित। पांच तत्वों का जब तक चोला नहीं मिला है तब तक आत्मा कुछ नहीं कर सकती। सूक्ष्म शरीर हो कम से कम तो भी हलन चलन में आ सकती है। और बाबा ये टोर्नेडो वगैरह जो है, तूफान टोर्नेडो वगैरह जो आता है, ये कौन आत्मा ही रोटेट करती है? सूक्ष्म आत्मा, ये प्रकृति का काम है। भूकंप आना, आंधी आना, अकाल पड़ना, अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना। बाबा जब विनाश होगा और माउंट आबू से वहां से पहले आना दिल्ली में होगा, दुनिया कंट्री पर, तो फिर ट्रेनें नहीं होंगी, बसें नहीं होंगी, सवारी का आत्मा में पावर तो होगी। आज से 200-300 साल पहले इंडिया में ट्रेन थी क्या? तो क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते नहीं थे? हैं? जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। तो क्या माउंट आबू से दिल्ली तक क्या रास्ता सब सूखी होगी? वहां कोई जैसे सारी जो आंखों से चीज दिखाई देती है वो सब नष्ट हो जाएगी? अभी पांव के नजदीक का तो देख लो, तब फिर वहां की बात सोचना। बाबा खुद ही बताते रहते हैं, अभी पांव के नजदीक जो हम कदम बढ़ा रहे हैं, जो बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, तो ऐसे तो नहीं पांव के नजदीक ही हम गड्ढा खोद रहे हो, मस्ती मार रहे हो। दूर की पहले सोचना ज्यादा अच्छा है या नजदीक का देखना ज्यादा अच्छा है? बाबा तो सारा ज्ञान खुद ही दे रहे हैं। बाबा
भगवान बाप आकर भगवान की प्रवेशता होती है तो भगवान बाप आकर अपना परिचय देते हैं, सब बच्चों का परिचय देते हैं, सारी सृष्टि के आदिमध्य अंत का ज्ञान देते हैं, राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते उनसे पहचान होती है और इससे भगवान की पहचान होती है। अच्छा, और जब भूत प्रेत की आत्माएं जो प्रवेश होगी एडवांस में तो उनकी क्या हो रही है तो उनकी कैसे पहचान होगी? पहचान ऐसे होगी कि जब भूत प्रेत आत्मा होती है तो उसका स्वभाव संस्कार उसका चेहरा मोहरा अलग दिखाई पड़ता है, उसका दृष्टि अलग दिखाई पड़ती है। भगवान प्रवेश करता है तो उसमें तो सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, तो दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ता ही नहीं, हल्का फुल्का रहता है। भूतों की पहचान करना जरूरी है। भगवान की पहचान हो गई सब में भूत की प्रवेशता होनी है, होती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये क्या है? भूत ही तो है। 50% बीमारियां भूत प्रेतों की प्रवेशता से हो रही है। सब लोग ऐसे ही कह देते हैं कि इसमें भूत की प्रवेशता, इसमें भूत की प्रवेशता, थोड़े ही कह देते तो वो काम करो विकारों को थोड़ी समझ, वो प्रेत विकार को भूत नहीं कहा जाता। अरे वो को बाद में समझाओ, पहले अपने को तो समझा लो, अपना तो ऐसे ही रहेगा। वाह भैया, और है परमधाम से तब तक नीचे आती रहेंगी जब तक नीचे से ऊपर नहीं जाएंगी। हाँ, एक सेकंड के लिए भी आएगी या तुरंत जाएगी। और बाबा आत्मा के लिए परमात्मा होती है ऐसे यूज करते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए करते हैं आत्मा होता है, यूज करते हैं। आत्मा होती है, आत्मा होती है ना। हाँ। परमात्मा सबको कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? हाँ, तो ये तो सजन सजन हो गया, लेकिन फिर बाबा मुरली में कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई। हाँ। तो फिर आत्मा और परमात्मा मेरे स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में तो बहन बहन होना चाहिए। हाँ। तो भाई भाई क्या बोल, भाई भाई बने कहा देखो ना, आगे जाके तो बने, तुम आगे बनेंगे तो आगे कहेंगे, शब्द बदल जाएंगे, अभी तो आत्मा नहीं बने ना, शब्द बदल जाएंगे, साथ साथ अर्थ भी बदल जाएंगे, भावना भी बदल जाएगी, भाषा भी बदल जाएगी। छोटे की बच्चे के हिसाब से समझाया जाता है, बड़े को बड़े के हिसाब से समझाया जाता है। परशुराम का बेहद में अर्थ क्या है? वास्तव में नाम है परशु नहीं, स्पर्श राम। क्या ऐसी स्टेज बन जाए आत्मा की कि कोई थोड़ा भी संपर्क में आए, संसर्ग में आए, दृष्टि के स्पर्श में आए, हाथों के स्पर्श में आए और तुरंत बदल जाए। तो कहेंगे स्पर्श राम। बाबा ने दूसरा नाम दिया है पारसनाथ। वो पारस भी स्पर्श शब्द से बना है, छूने मात्र से ही चेंज हो जाए। ऐसा कोई पत्थर होता नहीं है
लेकिन ये हम पत्थर बुद्धि बच्चों की ही बात है कि पुरुषार्थ करते करते ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे कि जो भी आत्मा संसर्ग संपर्क में आएगी वो आप समान बाप समान बन जाएगी। हस्तदेव की भी स्टेज बाप समान बनती है। हस्तदेव अष्टदेव की भी स्टेज जो है बाप के समान बन जाती है। तो ये जो करण रथ की जो शिव शंकर के साथ जोड़ते हैं तो सात वालों की स्टेज कितनी बहुत क्लोज ही होती होगी शिव के समान। अष्टदेव में जो सात पुरुषार्थी जो है उनकी स्टेज शिव के समान तो काफी क्लोज होगी ना। शिव शंकर जोड़ा जाता है शिव के साथ शंकर को जोड़ते हैं, लेकिन सात जो आत्माएं और जो बाप समान पुरुषार्थी है और बाप समान स्टेज धारण करती है तो उनकी स्टेज शिव के क्लोज ही होनी चाहिए। काफी क्लोज क्रोधी होना चाहिए। नजदीक होना चाहिए। अष्टदेव नजदीक नहीं है एक दूसरे के। शिव और शंकर की जो स्टेज बनती है शंकर शिव के समान स्टेज बना लेता है। तो ये सात मन की और है उनकी भी स्टेज शिव। अरे सात की तो छोड़ो बारह की भी। बारह ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं। बारह जो ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं वो शिव शंकर से भिन्न हैं। शिव बारह में प्रवेश नहीं करता है। शिव तो एक व्यापी ही है, लेकिन जब शंकर शिव समान बन जाता है तो वो बाकी ग्यारह रुद्रों में प्रवेश करता है। इसलिए बारह रुद्रगण नहीं गाए हुए हैं। कितने गाए हुए हैं? ग्यारह। तो वो ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं। बाबा लक्ष्मी नारायण को सजाया हुआ क्यों दिखाते हैं? पुरुषार्थ करते करते दिव्य गुणों से श्रृंगार हो जाता है देवताओं में आखिर, इसलिए सजाया हुआ समझाने के लिए दिखाते हैं। बाबा आपने ये बोला बच्ची जरा मुश्किल तो है पाकिस्तान में तुम्हारी बच्ची थी, सब भाग जाते हैं। मैंने थोड़ा सा बच्ची जरा मुश्किल है, मुश्किल तो है क्योंकि पाकिस्तान में तुम्हारी बच्ची थी, सब भाग जाते हैं। इसका क्या है? वो यहाँ की बात है, यहाँ भी बच्ची होती है सात दिन की, लेकिन यहाँ ठहरेंगे कोई जब माया की फाइनल परीक्षा होगी? माया किसी को टिकने देगी है? सांप को हिलाए देगी? पाकिस्तान वाला बेहद पाक और नापाक, जो पाक होगा सो डटेगा, नापाक होगा सो हिल जाएगा। बाबा अयोध्या में जो हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं राम मंदिर बनाने नहीं देते, क्या मंदिर बन पाएगा? वो जो हद की अयोध्या है उसमें राम मंदिर बनेगा या पहले बेहद की अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? और राम मंदिर माने घर, राम अपना मंदिर अपना घर खुद बनाएगा या हिंदू मुसलमान बनाएंगे? है? अरे कोई अपना घर खुद बनाता है या कोई दूसरे आकर बनाएंगे? खुद ही बनाता है।
ये तो भक्ति मार्ग में सब उल्टा पलटा होता है। जिस अयोध्या में एक भी मुसलमान नहीं है, वहां मुसलमान लड़ेंगे कैसे? अयोध्या में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई थोड़ी ही है। तो कई सौ वर्ष पहले कहीं बाबर ने मस्जिद बना दी थी, उस समय मुसलमान रहते होंगे? बाद में खत्म हो गए। और जब असली राम मंदिर बन जाएगा, बेहद का राम मंदिर बन जाएगा, तो नकली टूटने का टाइम आएगा या बनने का टाइम आएगा? मुरली में तो बाबा ने बोला है, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा और बाकी सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब टूटने लग पड़ेंगे। है पहला नंबर का ज्योतिर्लिंगम है वो अमरनाथ का कहेंगे, सुखी सुखी यादगार है अमरनाथ कुंड कहेंगे ना, जो हिमालय पर्वत पे है उनकी यादगार जो बनी हुई है फर्स्ट नंबर का। जब ऊंची स्टेज में पहुंच जाएगा तब ज्यादा सर्विस होती है, या जब नीचे होता है तो ज्यादा सेवा होती है? है ऊंची स्टेज में ज्यादा सेवा होती है। लेकिन नीचे आता है तब सेवा होती है या ऊपर बैठे बैठे सेवा होती है? इसलिए सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का ज्यादा गायन है। सोमनाथ बाबा बाबा काशी नगरी प्योरिटी का बीज है तो प्रैक्टिकल में करके क्यों नहीं दिखाती है? अरे प्रैक्टिकल में प्योरिटी की स्थापना प्रवृत्ति मार्ग में होगी या निवृत्ति मार्ग में होगी? है तो रुद्रमाला की अभी प्रवृत्ति बनी है? बन गई? नहीं बनी। रही बात प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं दिखाती, इतना बड़ा जो संगठन खड़ा हुआ है इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? बाप नहीं कंट्रोल करता। बाप तो कहते हैं सब शक्तियां किसके हाथ में दे देना है, सारी जिम्मेवारी किसके हाथ में सौंपना है? कन्याओं माताओं के हाथ में सौंपना है। बाप अपने हाथ में एक पैसा भी नहीं रखता तो कौन चला रहा है? कानी आंख वालों को दिखाई नहीं पड़ता। एकात्मा को मैं 4-5 साल हो गए और एडवांस में भी 6 साल हो गए उसको, एडवांस में भी 6 साल हो गए उसको, लेकिन वो छुट्टी नहीं कर पा रही है। बता तो दिया अभी, 7 दिन में इतना गैलअप कर लेते हैं कि 20 साल वाले आगे नहीं बढ़ पाते। सेवा कौन ले लेता है? सेवा लेता कौन है? पैदा ही नहीं हुआ बाप का बच्चा तो सेवा काहे की? बांदेली माता है, कहीं रेगुलर क्लास करती है? कहाँ?
कितने टाइम से? 6 साल हो गए पापा। 6 साल से लगातार क्लास करती है? है? बाबा तो कहते हिम्मत है बच्चे मदद बाप। अब उस आत्मा में हिम्मत है ही नहीं, जन्म जन्मांतर ऐसे कोई काम किए ही नहीं है जो हिम्मत आए। भक्ति करने के लिए कहती है तो भाई कहता मैं साथ जाऊंगा। तो जा ले जाए ना। कह रही है तो फिर ये हंगामा कर देगा वहां पे जाकर। कहे का हंगामा? कुछ भी लड़ाई करता है ना वो। है वो देखने को मिलेगी तब ना। शंकर खाते हैं कि नेत्रबंद क्यों दिखाते हैं? शंकर खाते हैं नेत्रबंद दिखाते हैं। वो शिव नेत्र है या शंकर नेत्र है? हम ये कह रहे हैं तुम शंकर का नेत्र पूछ रहे हो या शिव का? शिव नेत्र है वो, शंकर नेत्र नहीं है। और वो शिव ऊपर बैठने वाला नहीं है। कहां बैठ के काम करने वाला है? नीचे मन साकार में है, लेकिन जिस साकार में है वो अभी सुप्त अवस्था में है। सोता रहे उसमें तुम ज्यादा मौज में रहोगे या आंख खुल जाएगी तब ज्यादा मौज में रहोगे? सोता रहे तो आराम है, खुल गई आंख तो भागे नहीं घर मिलेगा, घर बार याद ही नहीं रहेगा कहां है कहां गया। खुलते विनाश दिखाते विनाश, खुलते विनाश दिखाते विनाश हो गया। क्या हुआ? विनाश। हाँ आप तो खुलते विनाश विनाश। तो आप क्या चाहते हो? आपकी अति इच्छा है क्या? पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बाबा आप मुरली में बार बार मीठे बच्चे बोलते हो, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। परंतु डायरेक्ट पर्सनली कोई को मीठे बच्चे क्यों नहीं बोलते? एक बार तो बोल दो। पूछने वाला पूछे कि लक्ष्मी नारायण जैसे मीठे बने हैं, मीठे बच्चे बने हैं? हैं? हाथ उठाओ कौन बना है? ये लिखा होगा उसने तो जरूर मीठा बच्चा बना होगा। है? हाथ तो उठा दो कि बने हैं। लो हाथ भी नहीं उठाते हैं। है नहीं? ये प्रश्न पूरा नहीं हुआ। काशी नगरी को प्रैक्टिकल में क्यों नहीं दिखाते? वो काशी नगरी प्रैक्टिकल में क्यों करके क्यों नहीं दिखाते? परंतु मुरली में तो लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए बोला है, काशी नगरी का तो नहीं बोला है। और रुद्रमाला का मणका रुद्रमाला के साथ प्रवृत्ति निभाएगा या दूसरे वंश से आएगा? है? दूसरे वंश से आएगा। कोई अपने ही परिवार में प्रवृत्ति बना के बैठ जाए तो उसे हिंदुओं में अच्छा माना जाता है खराब माना जाता है? ये तो खराब बात हो गई। तो लक्ष्मी चंद्रवंश से आती है।
प्रवृत्ति मार्ग को पक्का करने के लिए पहले उसका ही आह्वान करना पड़े। मन की एकाग्रता न होने का क्या कारण है बताओ भाई? है क्यों, क्या कारण है? श्रेष्ठ संकल्प नहीं चलते हैं, समान में नहीं रह पाती आत्मा। श्रेष्ठ संकल्प आत्मा क्यों नहीं, कारण क्या? त्रेसठ जन्मों का संस्कार है। त्रेसठ जन्मों में एक बिंदु से हट करके अनेकों के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना किसने शुरू किया? हमने किया तो हम भुगतेंगे ना। मन का तिरकना हमने शुरू किया, पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? खाने के लिए नहीं पूछते ते, ड्रामा प्लान अनुसार खाएंगे। स्वप्न में अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा या उल्टी बातें करने का क्या कारण है? तिरसठ जन्मों के हिसाब किताब हैं, वो कभी स्वप्न में आते हैं, कभी प्रैक्टिकल में आते हैं, कभी संकल्प में आते हैं, रील घूमती रहती है। बाबा एक सेकेंड जी, अनेका में 72 मिनट मिले हैं, 72 मिनट मिले हैं, वो ड्रॉप आ रहा है इंडिया में भी, क्या वो यूज कर सकते हैं भाई? और वो फायदा भी कर रहा है सब सबको, और डॉक्टरों से पूछो ये बातें। बाबा हमें आपसे गले मिलना है, आओ भाई मिलो आके आओ, अब बाद में नहीं मिलेगी। किसने सिखाया बोलो, तुमको ये किसने सिखाया बता दे, नाम बता दे। गली करता हो है? है? अपने आप ही गले मिलना अभी अभी है, है? सदगति में और स्वर्गवासी बनने में अंतर क्या है? पहले सदगति होगी कि पहले स्वर्गवासी बनेंगे? है पहले सदगति होगी, और सदगति ज्यादा लोगों की होगी 100% के लगभग, या स्वर्ग में ज्यादा लोग जाएंगे? है, है? 100% के लगभग सदगति बताई है? है, जो आत्मा है आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, पूरे 21 जन्म लेती है, संगम युगी स्वर्णिम युग की प्राप्ति करती है, चढ़ती कला में जाती है, राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश करती है, उनकी है संपूर्ण सदगति। और बाकी जो स्वर्ग में आवेंगे उनकी संपूर्ण सदगति नहीं कहेंगे, उतरती कला की सदगति है। माउंट आबू में जाए बगैर सदगति नहीं होगी है?
होगी कि नहीं होगी? कम से कम मन बुद्धि से तो माउंट आबू में रहना पड़े। सारी दुनिया की सदगति होगी या नहीं होगी? कैसे होगी? मन बुद्धि से कम वो आत्माएं पैराडाइज को याद करेंगी, जन्नत को याद करेंगी, बाप को याद करेंगी। तो उनकी गति होगी और साथ में सदगति भी होगी। और काशी नगरी में जाए बगैर स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। तो पहले कहां जाना है? पहले माउंट आबू जाना है कि पहले काशी नगरी में जाना है? है? काशी नगरी में क्यों जाना है? काशी तेज में रहेगी तो बुद्धि टिकेगी कैसे? है काशी में ना याद की तेज है ना, याद की तेज ही नहीं रहेगी तो फिर माउंट माया की नगरी में चले जाएंगे तो क्या होगा? है बुद्धि परमधाम जो चैतन्य परमधाम है वहाँ पे स्थिर नहीं हो पाएगी ना, उन्नति नहीं हो पाएगी, स्थिर बुद्धि की एकाग्रता नहीं बन पाएगी ना। जो माउंट आबू में स्थिर होने की बातें हैं, चैतन्य माउंट आबू में वहाँ नहीं हो पाएगी। जो आत्माएं सूर्यवंश में जाने वाली है, सूर्यवंश की पक्की बनेंगी, उन सूर्यवंशी बनने वालों की लिस्ट कितनी होगी? है सूर्यवंशियों की लिस्ट टोटल कितनी होगी? नौ लाख सितारे तो आसमान में गाए जाते हैं, उसमें रात में चमकने वाले सितारे नहीं है, कितने बाकी? बाकी दिन वाले हैं, सूर्य की रोशनी में चमकने वाले नहीं है, लेकिन अपनी सारी चमक को, अपनी सारी महिमा को काय में तिरोहित कर देते हैं, बाप सूर्य में तिरोहित कर देते हैं। बाप का मर्तबा सो मेरा मर्तबा, ऐसी 4.5 लाख आत्माएं, उनका संगठन और संगठन सूत्र एक हाथ में होगा।